हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का कोड है 402। तो हम बात कर रहे थे पाब्लो पिकासो जी के बारे में। इनका नेक्स्ट टॉपिक है स्टाइल एंड टेक्निक। वो पिकासो की प्रारंभिक मूर्तियों को लकड़ी से उकेरा गया था। जो पिकासो जी थे उनकी जो मूर्तियाँ थी तो स्टार्टिंग में उनको लकड़ियों से उकेरा गया था, या मोम या मिट्टी में बनाया गया था। मतलब वो या तो लकड़ी से उकेरी गई थी, या मोम से बनी हुई थी, या फिर मिट्टी से। लेकिन 1909 से 1928 तक पिकासो ने मॉडलिंग छोड़ दी और इसके बजाय विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके मूर्तिकला निर्माण किया। ठीक है, तो 1909 से 1928 तक पिकासो ने मॉडलिंग छोड़ दी थी और इसके बजाय वो विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके मूर्तिकला निर्माण उन्होंने किया, है ना। मतलब सामग्रियों का उपयोग करते थे वे और मूर्तिकला निर्माण उन्होंने शुरू किया। जैसे उनका एक उदाहरण है गिटार, ये 1912 में बना हुआ है। ये शीट धातु से बना हुआ है और तार से बना एक राहत निर्माण है। आप नेट पे देख सकते हैं नाम डाल के, है ना। तो ये शीट धातु और तार से बना हुआ राहत निर्माण है जो जैन फ्लेगेन क्यूबिस्ट पेंटिंग के 3 आयामी प्लानर समकक्ष के रूप में देखता है, है ना। ये मतलब 3 आयामी में बना हुआ है और क्यूबिस्ट पेंटिंग के जो 3 आयामी हैं उसके समकक्ष के रूप में देखता है। अपने कैरियर की शुरुआत से पिकासो ने हर तरह के विषय में रुचि दिखाई। मतलब जब उनकी स्टार्टिंग हुई थी कैरियर की, तो पिकासो ने हर तरह के विषय में, मतलब सारे ही सब्जेक्टों में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी और एक महान शैलीगत बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें एक ही बार में कई शैलियों में काम करने में समक्ष बनाया। मतलब उनकी जो प्रतिभा थी वो बहुत अच्छी रही थी, तो इस वजह से उन्होंने कई शैलियों में काम भी किया और वो उसके समक्ष भी बने। उदाहरण के लिए 1917 के उनके चित्रों में पाइंटलिस्ट वोमेन विद अ मैंटिला, क्यूबिस्ट फिगर इन अर्च चेयर और नेचुरल हॉर्ले क्वीन सभी म्यूजियम पिकासो बर्सिलोना में शामिल थे। ठीक है, मतलब इन्होंने एग्जांपल बताया है कि 1917 के उनके चित्रों में पॉइंटलिस्ट है ये वोमेन विद अ मैंटिला, क्यूबिस्ट फिगर इन अर्चेयर और नेचुरल हॉर्लेविन, है ना, ये सभी पिकासो की बर्सिलोना में शामिल थे। 1919 में उन्होंने पोस्ट कार्ड और तस्वीरों से कई चित्र बनाए जो शैलीगत परंपराओं और पोज दिए गए तस्वीरों के स्थिर चरित्र में उनकी रुचि को दर्शाते हैं, है ना। 1919 की बात है, इन्होंने पोस्ट कार्ड और तस्वीरों से कई चित्र बनाए थे जो शैलीगत परंपराओं और पोज दिए गए तस्वीरों के स्थिर चरित्र में उनकी रुचि को दर्शाते हैं, है ना। उनके द्वारा उत्पादित कलाकृतियों की कुल संख्या 50,000 आंकी गई है। मतलब इन्होंने जितनी कलाकृतियां बनाई थी उसकी कुल संख्या 50,000 आंकी गई है, जिसमें 1885 पेंटिंग शामिल हैं, 1228 मूर्तियां हैं, 2880 चीनी मिट्टी की चीज़ें हैं और लगभग 12,000 इनके चित्र हैं। मतलब ये सारी टोटल मिला के इन्होंने बताई गई है कि कितनी इनकी मूर्तियां हैं, कितनी पेंटिंग है, कितनी चीनी मिट्टी है, कितने चित्र हैं, कितने इनके प्रिंट भी हैं, बहुत हज़ारों, ट्रेपिस्टी का काम भी है और आसन का भी, है ना। इसमें सबका ये बताया कि जैसे 1800 के करीब इनकी पेंटिंग है ना, 1300 के करीब इनकी मूर्तियां हैं, 2900 के करीब इनकी चीनी मिट्टी की चीज़ें हैं और 12,000 के करीब इनके चित्र हैं और हज़ारों इनके प्रिंट भी है जो इन्होंने प्रिंट पे काम किया था, और कई टेपेस्टी और आसन, यानी कई चीज़ें टेपेस्टी भी हैं और कई आसन भी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मिलके जो इनकी ये बनाई, इनके द्वारा बनाई गई है। काफ़ी सारा वर्क है आर्टिस्टों का, वैसे काफ़ी अपना बहुत वर्क रहता है, तो ये उसी में से है। तो
ये स्टाइल एंड टेक्निक का था। अब इनका नेक्स्ट है ये टॉपिक आर्टिस्टिक लेगेसी, मतलब आर्टिस्ट इनकी विरासत। पिकासो पहले कलाकार थे जिन्हें अपने 90 साल के उपलक्ष में पेरिस में लोवर संग्रहालय की ग्रैंड गैलरी में एक विशेष सम्मान प्रदर्शनी प्राप्त हुई थी। मतलब ये जो पिकासो जी थे ये ऐसे पहले कलाकार थे जिन्हें इनके 90 साल के उपलक्ष में पेरिस में लोवर संग्रहालय, है ना, 90 साल के उपलक्ष में पेरिस में लोवर संग्रहालय की ग्रैंड गैलरी में एक विशेष सम्मान प्रदर्शनी प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1998 में रॉबर्ट ह्यूज जेस ने उन्हें लिखा यह कहना कि पाब्लो पिकासो 20वीं शताब्दी में पश्चिमी कला पर हावी थे अब तक सबसे आम है, है ना। तो मतलब ये रॉबर्ट ह्यूसेज ने लिखा था कि यह कहना कि पाब्लो पिकासो, मतलब जो पिकासो जी थे वो 20वीं शताब्दी में पश्चिमी कला पर इतने हावी थे और ये सबसे आम था, है ना। ये मतलब इतना कोई भी चित्रकार या मूर्तिकार कोई भी इतने मतलब हावी नहीं हुए थे जितने पिकासो जी थे, है ना। मतलब ना तो माइकलेंजलो भी नहीं, माइकलेंजलो में अच्छे बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब वो भी इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए थे अपने स्वयं के जीवन काल में जितने पाब्लो पिकासो जी हुए थे इस चीज़ में, है ना। तो मतलब इस चीज़ में 90 साल के उपलक्ष्य में जो पेरिस में लोवर संग्रहालय था उसकी ग्रैंड गैलरी में उनको एक विशेष सम्मान प्रदर्शनी प्राप्त हुई थी। तो ये अपने आप में ही इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, उनके खुद के जीवन काल में उनको इतना अच्छा मौका मिला और ये पहले कलाकार ऐसे साबित हुए, नहीं तो बाकी और बड़े बड़े इतने आर्टिस्ट हैं वो उन सबको किसी को ऐसा मौका नहीं मिला था जो पिकासो जी को मिला था। 21 जून 2016 को पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग जिसका शीर्षक फेमे असीस 1909 था, ये 21 जून 2016 अभी रिसेंटली की बात है, पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है जिसका शीर्षक है फेमे असीस, है ना, ये 1909 में बनी हुई है। तो ये सोथबी के लंदन में 43.2 मिलियन में बेची गई, है ना। मतलब ये जो उनकी पेंटिंग थी फेमे असीस जो 1909 में उन्होंने बनाई थी ये लंदन में 43.2 मिलियन में बेची गई, लगभग $20 मिलियन के अनुमान से, यानी $20 मिलियन से भी ज़्यादा की ये बेची गई थी। नीलामी में भुगतान किए गए उच्चतम मूल्य के लिए एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ, एक क्यूबिस्ट कार्य, ये एक क्यूबिस्ट कार्य था, है ना। मतलब ये जो इसका भुगतान हुआ था तो ये एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया था कि $20 मिलियन से भी ज़्यादा की इनकी पेंटिंग बिकी थी। पिकासो की कई पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में शुमार है ना। पिकासो जी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और बहुत बड़े भी आर्टिस्ट थे, काफ़ी नाम है इनका, पिकासो जी का फेमस आर्टिस्ट हैं। तो इनकी जो पेंटिंग भी है वो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग में शुमार है। 4 मई 2014 को सोथबी में कार्गोन एल ला पाइप $104 मिलियन में बिका, है ना। तो 4 मई 2004 को सोथबी में कार्गोन एल ला पाइप $104 मिलियन में ये बिका था जिसने एक नया मूल्य रिकॉर्ड स्थापित किया। ठीक है, मतलब ये भी एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया था कि ये $104 मिलियन में बिका था 2004 को सोथबी में कार्गोन एल ला पाइप। फिर 3 मई 2006 को सोथबी में ही डोरा मार आउचेट $95.2 मिलियन $95 में बिका था। उसके बाद 4 मई 2010 को क्रिस्टी परन्यूड ग्रीन लीव्स और ब्रस्ट ये $106.5 मिलियन में बेचा गया। ठीक है, तो ये सब इनके वर्क हैं जो ये इतनी अच्छी अच्छी डॉलर में बिके थे, काफ़ी अच्छा वर्क था इनका। और 1932 का काम जिसमें पिकासो की मालकिन मैरी थेरेस वॉल्टर की पुनरावृत्ति और एक हलचल के रूप में दर्शाया गया है, 1932 का जो इनका काम था जिसमें मैरी थेरेस वॉल्टर की पुनरावृत्ति दिखाई गई है इसमें इनका ये बिका था।
उसके बाद 11 मई 2015 को उनकी पेंटिंग वुमेन ऑफ अल्जियर्स ने न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज में 179.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई। पेंटिंग के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत चुकाने का रिकॉर्ड बनाया। यानी इनकी जो 2015 में ये पेंटिंग बिकी थी, इसने भी अब तक का सबसे अच्छा रिकॉर्ड बनाया है ना। ये 179.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई। और पेंटिंग का नाम क्या था? वुमेन ऑफ अल्जियर्स। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चंस आपके, अगर आप अपनी आगे नेट की प्रिपरेशन करें या किसी भी उसकी, तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसकी पेंटिंग, और वैसे भी करंट में तो ये आ ही जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।